मध्य प्रदेश बीजेपी की दूसरी सूची तय, जल्द ही हाईकमान करेगा ऐलान। पहली सूची में 39 का नाम, दूसरी सूची में 64 नामों के ऐलान का अनुमान। कई नेताओं की कटेगी टिकट और कई नेताओं की चमकेगी किस्मत। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली उम्मीदवार सूची जारी हो चुकी है। पहली सूची में 39 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। वहीं अब दूसरी सूची के लिए भी बीजेपी का मंथन पूरा हो गया है। बीजेपी 15 सितंबर तक दूसरी सूची जारी कर सकती है। बीजेपी की दूसरी सूची में भी ज्यादातर उन्हीं विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा जहां बीजेपी 2018 का विधानसभा चुनाव हार गई थी। हारी हुई सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो सकता है। पिछले चुनाव में प्रदेश की 230 सीटों में से बीजेपी को 103 पर हार का सामना करना पड़ा था। इसमें से पहले ही 39 सीटों पर बीजेपी ने पहली सूची में प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है। अब पार्टी जल्द ही बची हुई 64 सीटों पर प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी। बीजेपी ने इन प्रत्याशियों पर एक ही फॉर्मूले पर दांव लगाया है, वो चेहरा जो जिताऊ चेहरा है। बीजेपी ने प्रत्याशी चयन का फार्मूला सिर्फ जिताऊ उम्मीदवार रखा है। इसके सामने पार्टी परिवारवाद भी नहीं चल पाया है। बीजेपी हर कीमत पर 2023 का चुनाव जीतना चाहती है, क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत ही बीजेपी की 2024 की राह आसान करेगी। पार्टी के सूत्रों की माने तो कुछ सीटों पर पार्टी ने सिंगल नाम तय कर लिए हैं। इन सीटों पर पार्टी के सर्वे और स्थानीय नेताओं ने भी एक राय से उनके नाम पर सहमति दी है। वहीं कुछ सीटों पर 2 से 3 लोगों का पैनल बनाया गया है। दरअसल इन सीटों पर सर्वे रिपोर्ट के बाद भी 2 से 3 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ने का दावा किया है। ऐसे में पार्टी ने उनका पैनल बनाकर शीर्ष नेतृत्व को भेजने का निर्णय लिया है। साथ ही नेताओं ने किसी भी प्रकार के अंदरूनी कलह को बढ़ने से पहले ही उनके डैमेज कंट्रोल की तैयारी भी शुरू कर दी है। जाहिर है बीजेपी की पहली सूची के 39 उम्मीदवारों में से एक दर्जन से ज्यादा प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है। इसके डैमेज कंट्रोल के लिए शीर्ष नेताओं ने तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी के केंद्रीय नेताओं ने साफ कर दिया है कि पार्टी की पहली सूची के किसी भी प्रत्याशी का टिकट अब नहीं बदला जाएगा। इन विरोध वाली सीटों में छतरपुर, चचौड़ा, झाबुआ, महेश्वर समेत कई सीटों पर प्रत्याशियों का खुलकर विरोध हो रहा है। लेकिन प्रत्याशियों के चयन को लेकर बीजेपी बहुत गंभीरता से काम कर रही है। इसके लिए सर्वे रिपोर्ट को सामने रखकर जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों का गुणा भाग लगाया जा रहा है। वहीं इस बार पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है, क्षेत्र में विधायकों के खिलाफ नाराजगी है। यह बातें पार्टी के सर्वे रिपोर्ट में सामने भी आ चुकी हैं। इसको देखते हुए पार्टी अपने विधायकों की सीटों को लेकर गुजरात फॉर्मूला पर टिकट वितरण की रणनीति भी बना रही है। जाहिर है बीजेपी प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया में फिल्टर पर फिल्टर लगा रही है। प्रत्याशियों के चयन प्रक्रिया में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। ऐसे में कई नेताओं की टिकट कटने की भी खबर मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपोर्टर जी।